अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो है कैटरपिलर जनरेटर के बारे में। इसकी जो इंटरफेस डिस्प्ले होती है EMCP 4.1 मॉडल है ये वाली। इसमें ये है कि जब ये किसी भी फॉल्ट की वजह से शट डाउन हो जाए जनरेटर, तो उस फॉल्ट को हम कैसे देख सकते हैं और उसको फिर डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये जैसे डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये होम बटन पर क्लिक करना है, फिर व्यू में जाना है, ओके करना है, और ये नीचे है इवेंट लॉग, इसको ओके करना है, फिर ओके करना है। और इसमें ये जितने भी फॉल्ट है, अभी हमारे पास तकरीबन 24 फॉल्ट शो कर रहे हैं। एक एमरजेंसी शटडाउन है, दूसरा हाई टेम्परेचर है, और जनरेटर अंडर वोल्टेज है। ये सारे फॉल्ट और ये फ्रीक्वेंसी भी, ज़्यादा जब वोल्टेज अंडर होंगे तो फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो जाएगी। तो इसको रीसेट करने के लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बोल रहा है कंट्रोल मस्ट बी इन स्टॉप पोजीशन। ये अभी स्टार्ट पोजीशन में था, ऐसे इस रेड बटन को दबा के स्टॉप करेंगे। जब ये स्टॉप पे लाइट शिफ्ट हो जाए तो फिर ओके प्रेस करेंगे। अब ये रीड करेगा, इसमें जो फॉल्ट रिमूव होने वाले हैं उनको रिमूव करेगा, और जो अभी भी फॉल्ट स्टिल है उसको ये रिमूव नहीं करेगा। अभी भी देखें, इसमें ये इमरजेंसी पुश हुआ हुआ है, तो उसको हम लोग जो है ना वो रिमूव करेंगे। देखें, इसको प्रेस करके अंदर थोड़ा सा राइट दबा के बाहर खींचना है, तो ये हमारा फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। दोबारा इसको दबाएँगे और ओके कर देंगे। अब हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट रिमूव हो चुका है। अभी दोबारा हम ग्रीन बटन रेडी टू स्टार्ट करेंगे और ये AC वोल्टेज देखने के लिए ये वाले बटन को प्रेस करेंगे।